guys, Anahita this side. I'm a first year student at Lady Harding Medical College. And today we are going to talk about which books do you need to follow in your last 2 months, alright? So technically to 2 mahine se bhi kam bache hai. And first of all, the first tip is definitely you do not have to pick new books up, okay? Nayi books is time pe nahi uthani. Whatever book you've sold, ठीक है, हो सकता है तुमने आकाश आलन के मॉड्यूल्स किए हुए हो सकता है तुमने पी वाई क्यू सॉल्व किए हुए हो, फिंगर टिप्स की हो, एच सी वर्मा की हो, एस एल अरोड़ा की हो, मे बी तुमने एन सी आर टी के बैक क्वेश्चन की हो, वट एवर यू हैव सॉल्व, दिस इज द टाइम टू पिक दैट अप एंड रिवाइज इट, ठीक है. एंड इफ यू हैव नॉट सॉल्व एनी थिंग ढंग से 2 साल कि कुछ कुछ हर जगह से कर दिया, तो देन मे बी दिस वीडियो इज फॉर यू. बट अगैन, डो नॉट पिकअप न्यू बुक्स. अभी मत सोचना कि आकाश के सारे मॉड्यूल्स 2 महीने में कर दूँ या मैं एच सी वर्मा पूरी सॉल्व कर दूँ क्योंकि मेरी फिजिक्स वीक है. अभी नहीं हो सकती, ठीक है, दिस इज नॉट दैट टाइम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्टिंग अप विथ फिजिक्स, ठीक है. देखो यार, फिजिक्स में ना पी वाई क्यू बहुत ज़्यादा रिपीट होता है. डुअल नेचर जैसे चैप्टर्स में, काइनामेटिक्स में, लॉज ऑफ मोशन में, इवन इन रोटेशन, दीज चैप्टर्स, इनमें पी वाई क्यूज रिपीट होने ही हैं. सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज पी वाई क्यूज, ऑलराइट, फिजिक्स के पी वाई क्यूज. एंड तुम्हें सिर्फ सॉल्व नहीं करने, तुम्हें रटने हैं. जो तुमने सॉल्व कर लिया वो वेल एंड गुड, जो गलत हुआ उसका आंसर देखो, ये देखो कि सॉल्व कैसे होता है एंड लर्न दैट मेथड, ठीक है, रट्टा मारो. अब तुम कहोगे कि यार रट्टा थोड़ा मारना होता है फिजिक्स में. देखो यार, अगर तुमने 2 साल से सॉल्व किए हुए होते ना, तुम्हें रट्टा खुद लग गया होता, तुम्हें खुद सब याद हो गया होता कि गलती ये मैं करता हूँ और ऐसे ऐसे सॉल्व करनी है. बट बिकॉज अगर तुमने नहीं किए तो तुम्हें अभी रट्टा मारना पड़ेगा. सो रट्टा मारो वो क्वेश्चंस का जो तुमने गलत किया है, और क्वेश्चंस का नहीं, सॉल्व कैसे होता है उस तरीका का रट्टा मारो, ताकि पेपर में अगर वो आए एटलीस्ट तुम सेम गलती ना करके आओ. ऑलराइट, ओके. सेकेंडली, नाउ फिजिक्स में यार देखो, ये टाइम नहीं है कि तुम एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ने बैठोगे. यू हैव टू हैव अ फॉर्मूला शीट. अगर तुम्हारे पास आकाश आलन के मॉड्यूल्स है उसके पीछे दी हुई होती है, वो लास्ट में एक फॉर्मूला बुक भी देता है. इफ़ यू हैव इट, वेल एंड गुड, खुद बनाई हुई. अगर तुमने नहीं बनाई है, आई अपलोड अ पी डी एफ. उसमें 5 पेज की पी डी एफ है, इट्स अ वेदांतु की पी डी एफ आई गेस. उसमें 5 पेज में सारे फॉर्मूलाज हैं. प्रिंट दैट आउट, पेस्ट इट ऑन योर वॉल, रिवाइज इट एवरी डे. फॉर्मूलाज रटो, पी वाई क्यूज करो, दैट्स ऑल. इसके बाद कुछ चैप्टर्स होंगे या जो कि तुम्हारे वीक होंगे. जैसे मेरा ईएमआई बहुत वीक था, मेरा ईएमआई एसी वाज हॉरिबल. सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने उसकी फिंगर टिप्स सॉल्व कर ली. फिंगर टिप्स में बस 100 क्वेश्चंस होते हैं यार एक चैप्टर के. तो जो चैप्टर तुम्हारा वीक है, जो तुम्हें लग रहा है बार बार गलत हो जाए, उसकी फिंगर टिप्स उठाओ. अदरवाइज डोंट स्टार्ट सॉल्विंग फिंगर टिप्स फॉर एवरी चैप्टर. एंड ऑल्सो यार, तुम ना बचने के लिए वो हरकतें मत करना कि चलो मैं पी वाई क्यू की बुक सॉल्व करना स्टार्ट कर रही हूँ, तो पहले ना मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट कर लेती हूँ. पहले डिफिकल्ट चैप्टर सॉल्व करो. यूनिट्स एंड मेजरमेंट जिस चैप्टर का पी वाई क्यू नहीं भी करके जाओगे तो भी हो जाएगा पेपर में. ऑलराइट. सेकेंडली, कमिंग ऑन टू केमिस्ट्री, तो उसमें 3 डिविजन्स हैं, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल इन ऑर्गेनिक, देखो यार ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन आएंगे भर भर के, ठीक है. नेम रिएक्शन के लिए वट यू हैव टू डू इज एनसीईआरटी खोलो. हेलो एल्केन्स खोला, उसमें ना खुद अच्छी खासी हेडिंग में लिखा होता है नेम रिएक्शन. वो एक पेज लो, साफ शीट, नेम रिएक्शन लिखो, नीचे उसकी जो भी डिटेल्स हैं वो लिखो. ऐसे कर करके आई हैड अ लिस्ट ऑफ आई थिंक 27 नेम रिएक्शंस, ठीक है. तो वो तुम्हें खुद निकालने, नेम रिएक्शंस लिखो. द रीजन आई एम सेइंग लिखो इज बिकॉज तुम्हें लिख लिख के याद हो जाएगा, ठीक है. आई स्टिल अपलोड द पीडीएफ, बट मेरे हिसाब से यार खुद लिखना चाहिए, तुम्हें ज़्यादा याद होगा. ऑलराइट. ऑर्गेनिक में भी यार सेम, देखो यार पी वाई क्यूज आई वॉन्ट सजेस्ट फॉर ऑर्गेनिक बिकॉज इतने अच्छे नहीं होते और पुराने वाले तो बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है. सो आई वुड रादर से कि उसकी यार फिंगर टिप्स सॉल्व कर लो. फिंगर टिप्स इज अ गुड बुक फॉर ऑर्गेनिक, एटलीस्ट अच्छी बुक है वो. उसके ऑर्गेनिक का आई वुड से फिंगर टिप्स सॉल्व कर लो, ठीक है. फिंगर टिप्स, नेम रिएक्शंस, दैट्स ऑल, ठीक है. नेम रिएक्शन का क्वेश्चन आएगा, फिंगर टिप्स में से क्वेश्चन कुछ कुछ उठ के आ सकते हैं. पी वाई क्यूज भी आ सकते थे, बट SN1 SN2 रिएक्शन, ये मेजर मेजर चीजें होती है ना, ये करो अब, ठीक है. थर्डली, मूविंग ऑन टू इनऑर्गेनिक, यार इनऑर्गेनिक इज टोटल रट्टा फिकेशन. तुम्हें एनसीईआरटी की कितनी लाइन्स याद है, दैट इज इट, ठीक है. सो आई वुड रादर से क्वेश्चन से बेटर है अभी तुम इनऑर्गेनिक पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो. तुम्हें नहीं पता कौन सी लाइन से क्वेश्चन आ जाए, तुम्हें वो लाइन याद रह जाएगा, तुम्हारे नंबर आ जाएंगे उसमें. ऑलराइट. सो आई वुड से पी वाई क्यूज ऊपर ऊपर से एक बार देख के सॉल्व कर लो, तुम्हें समझ आ जाएगा इंपॉर्टेंट क्या है. उसके बाद रीड एनसीईआरटी ऑफ इनऑर्गेनिक एवरी सिंगल डे. उसमें टेबल्स, उसमें बीच बीच में छोटी छोटी डिटेल्स दी हुई होती है, ठीक है. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
moving on to physical, physical is the exact same as physics. उसमें तो मेरे पास अगेन किसी कोचिंग की फॉर्मूला शीट है तो वो रिवाइज करना चालू कर दो, और अगर नहीं है तो आई वुड अपलोड अ पीडीएफ डाउन, उसको उठा के प्रिंट आउट करके एंड रिवाइज फ्रॉम दैट. ऑल्सो समरी पढ़ो, एस्पेशली फॉर फिजिकल, फिजिकल की समरी पढ़ो. उसमें ना जो फॉर्मूलाज दिए हुए होते हैं ना इन चैप्टर्स लाइक थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, उसकी जब तुम समरी पढ़ो. ऑल्सो विथ फिजिकल आई फील चैप्टर्स लाइक थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स, इनसे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं. सो इफ यू हैव टाइम एंड अगर तुम्हारी ये वीक चैप्टर्स हैं, आई वुड से फिंगर टिप्स उठा के 100 क्वेश्चन लगा दो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, तुम्हें याद हो जाएगा. बट अगेन फॉर्मुलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस. एटलीस्ट डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं गलत करके आओगे, ठीक है. मूविंग ऑन टू बायो. नाउ बायो में कोई बुक उठाने की जरूरत, कोई एलएल का मॉड्यूल, आकाश का मॉड्यूल कर लूँ, अभी मैं फिंगर टिप्स कर लूँ, नहीं. फिंगर टिप्स फॉर 4 चैप्टर्स करनी है, 4 भी नहीं, 5 एक्चुअली. एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इकोलॉजी वाला सेक्शन, दैट इज वेरी गुड इन फिंगर टिप्स. प्लीज 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 सॉल्व दैट. अदर देन दैट फिंगर टिप्स मत उठाओ, पीवाईक्यू रिवाइज करो एंड एनसीईआरटी की रीडिंग मारो. रोज रोज रीडिंग मारो, ठीक है. रीड एनसीईआरटी एवरी डे एटलीस्ट फॉर 2 hours, बायो की तो कम से कम यार रोज. एंड ऑल्टरनेट डे करके डायग्राम्स रिवाइज करो, डायग्राम्स से क्वेश्चन आते हैं, ओके. डायग्राम्स रिवाइज करो, उसके बाद समरी पढ़ो, ठीक है. कोई टेबल्स दी हुई है वो याद करो. माइक्रोब्स में बहुत टेबल्स थी, ह्यूमन हेल्थ डिजीज में टेबल थी, ये सारी टेबल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न दोज टेबल्स. ऑलराइट, नाउ कमिंग ऑन टू द फाइनल टिप. सी दिस इज नॉट द टाइम जब तुम नई बुक्स उठा सकते हो, दिस इज द टाइम जब तुम्हारा जो चैप्टर वीक है उसके तुम 100 क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है. एंड 100 क्वेश्चन के लिए आई थिंक फिंगर टिप्स इज अ गुड बुक. दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट बिकॉज मैंने लास्ट के 2 महीने में फिंगर टिप्स सॉल्व की है तो मुझे पता है कि ये फायदा देती है. ऑल्सो दिस इज द टाइम कि अगर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस जेन्युइनली इंक्रीज करनी है ना, स्टार्ट गिविंग टेस्ट. हर तीसरे दिन एक फुल सिलेबस, एंड आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ, फुल सिलेबस टेस्ट ओवर पार्ट टेस्ट एनी डे, ओके. पार्ट टेस्ट देना बंद करो, तुम्हें पूरे साल लगते रहेगा, मेरा सिलेबस खत्म नहीं है यार. फुल सिलेबस टेस्ट दो, उसमें जो तुम गलतियां कर रहे हो नाउ वो गलतियों से देखो, ये चैप्टर अच्छा मेरा वीक है, बार बार इसमें गलती हो रही है, उसके 100 क्वेश्चन लगा दिया. ना कि हर चैप्टर अब मैं शुरू से सारे सॉल्व करूंगी, दैट इज नॉट द टाइम, ठीक है. फुल सिलेबस टेस्ट दो, दैट रियली गॉन बी एडवांटेजेस फॉर यू. ऑलराइट, आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो. थैंक यू. एंड ऑल्सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट, 2 महीने बहुत ज्यादा होते हैं. ऑलराइट, सो डू नॉट लूज होप एंड यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम. बस जो मैंने बोला है फॉलो दैट सिंसियरली. ऑलराइट, थैंक यू.